और मुझे ना सच में ये अच्छा भी लग रहा है। तो यानी कि इसको वाक्य में अपने पास हम रख सकते हैं, पॉकेट में रख सकते हैं। भाई रेड कलर की, ब्लू कलर की, पिंक कलर की, एक बार आपको याद होगा मैंने इससे चश्मा बनाया था, ये वाला बेंटन वाला जो पेन है उससे तो भाई काफी ज्यादा अच्छी इसकी इंक है, यानी कि इससे हैंड राइटिंग काफी अच्छी आएगी। तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार आप लोगों को दोबारा से बहुत बहुत वेलकम है आज के इस लेटर और काफी ज्यादा अल्टीमेट कलेक्शन ऑफ स्नैक्स में, जो आते हैं मात्र 5 रुपए में। पहले इनमें से कुछ 10 रुपए के आते थे, लेकिन आजकल अब ये सब के सब मात्र 5 रुपए में आते हैं, जो कि फ्री गिफ्ट्स इनसाइड्स का दावा करते हैं सारे के सारे पैकेट। और ये पॉकेट वाला खजाने से लेकर दादी गुल्लक, मोटू पतलू खजाना, हंसते रहो से लेकर और तुम्हारा और हमारा सबका फेवरेट छुपा छुप तक, इन सब में निकलते हैं कुछ छोटे नाम तो किसी में निकलेंगे बड़े नाम, किसी में निकलेंगे सस्ते नाम तो किसी में निकलने वाले महंगे नाम। और आज एंड में नहीं बल्कि बीच में ही 15 लोगों को दे दिया जाएगा शॉट आउट, जिसमें से कि एक हैप्पी बर्थडे शॉट आउट भी होगा और एक को नहीं दो को नहीं बल्कि 3 लोगों को मिलने वाला यूनिकॉर्न का सरप्राइजिंग गिव अवे, जिसके अंदर भाई साहब एलईडी लाइट कोई 3D वाली नहीं जलने वाली। इसके बॉक्स पे आप देख सकते हो भाई यहाँ पर जो ये बना हुआ ना हनीकॉम वाला पैटर्न, इसके अंदर 5D एलईडी लाइट चलती है प्लस में म्यूजिक चलता है, और उसके बाद ये यूनिकॉर्न कुछ इस तरीके से आपको डांस करके दिखाने वाला है। और साथ में मिलने वाली यूनिकॉर्न की तरफ से आने वाली एक जंबो ज्योमेट्री बॉक्स, तो भाई वाक्य में आज काफी लो की होने वाली है बल्ले बल्ले। तो भाई हम सबसे पहले लेने वाले हमारा मोटू पतलू का खजाना, जो काफी ज्यादा फेमस है और ये रवि कंपनी की तरफ से आता है, जिसको पेन वाला मोटू पतलू खजाना बोलते हैं। ये पहले 10 का आता था लेकिन आजकल मात्र 5 रुपए में आता है। तो अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल हैं तो चैनल कीजिए सब्सक्राइब, बाजू में दिखे बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाली जितनी भी लेटेस्ट वीडियो आप लोग सबसे पहले देख पाए। तो भाई देर किस बात की, फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए। और अब भाई बारी आने वाली है इस मोटू पतलू के खजाने के खोलने की। और भाई ये आता है खेलो और लिखो के साथ, यानी कि इनका भी यही कहने का भाई खेलने के साथ साथ हमें पढ़ाई भी करनी चाहिए, जो बहुत अच्छी बात है। देखो इसमें 10 का सिक्का निकल सकता है, हमारे पेन निकल सकते हैं, RC कार निकल सकती है, लट्टू निकल सकता है, 100 रुपए का नोट, 2000 रुपए का नोट, 50 रुपए का नोट, 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, और भी बहुत सारी चीजें इसमें निकल सकती है। तो हमें इसमें देखना हो कि भाई इसके अंदर हमारा कौन सा सरप्राइज वाला गिफ्ट निकलने वाला है, जिसको देख के हमें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो भाई सीजर को रखते हैं साइड में और इसका जो ये वाला स्पेस है, ये देखो स्नैक्स तो गिरने शुरू हो गए तो भाई यहाँ पर इसको हम डालने वाले, क्या निकला क्या निकला क्या निकला क्या निकला। ओ भाई ये कुछ नुकीला सा दिख रहा है, ये क्या है, रुक जाओ इसको देखते अभी। भाई आ जाओ पूरे तरीके से बाहर, भाई ये पूरे तरीके से बाहर नहीं आ रहा है। तो इसको जो है इस तरीके से गिरा के देखेंगे तो भाई ये पूरा पैकेट खाली हो गया, जिसमें से कि पता इतने सारे स्नैक्स इसके नीचे गिर गए टेबल से फिसलते फिसलते हुए। तो भाई इसका जो ये कुछ अजीब सा लग रहा है कोई, लेकिन कोई गन है इतना तो कन्फर्म है। और ये इसके साथ हमें कुछ मिला है, तो ये देखो भाई, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई ये जो है एक ग्लू गन है। अरे क्या बात है, यानी कि ये जो रोड है शायद ये यहाँ पे डालनी होती होगी, बाकी इतना भाई पूरे तरीके से तो मुझे भी नहीं पता कि आधी बार है। तो ये भाई ये यहाँ से चलती है, पर लेकिन भाई इसको तो आपको ऑन करना पड़ेगा। ये देखो इतने सारे स्नैक्स निकले गए, इसके अंदर भी स्नैक्स फंस गया। तो भाई एक बार जो है ना इसको खोल के देखते हैं, तो इसको इस तरीके से हिलाना है और ये देखो ये खुल गया। तो भाई इसका जो है ना वायर कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, तो आपको जो इसको बोर्ड के पास ही लेके जाना पड़ेगा। तो अगर आप लोगों को ये ग्लू गन पसंद है और आपको भाई कोई ड्रॉइंग वगैरह बनाना या कोई अपने प्रोजेक्ट्स बनाने पसंद है, तो आप अपने नाम के आगे वॉल लिख देना और उसके आगे आपको लिखना है ग्लू गन विद ग्लू स्टिक, ताकि ये आपको जो है ग्लू गन और इसकी ग्लू स्टिक आपको गिव अवे हो सके। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पे। और अब इसके बाद हम लेने वाले हमारा हंसते रहो, तो ये ले लिया हमने अपने हाथ में हमारा हंसते रहो। ये भी भाई पहले 10 का आता था लेकिन आजकल ये आता है 5 रुपए में मात्र, जिसके अंदर हमारी एलईडी लाइट निकल सकती है, टॉर्च निकल सकती है, और ये फ्री गिफ्ट्स इनसाइड के साथ आता है, जिसमें RC कार से लेकर भाई 1 रुपए तक, 2 रुपए तक, यहाँ तक कि हमारे 100 रुपए से लेकर 500 रुपए तक कुछ भी इसमें निकल सकता है। और ये अंकल देखो कितने ज्यादा हंसते हैं भाई, सही बात है हंसना वैसे ना बहुत जरूरी है, आपको भी हंसना चाहिए। तो भाई इसकी भी फटाफट से हम अनबॉक्स करने वाले और इसको देखने वाले कटने के बाद भाई इसके अंदर हमारा क्या निकलता है। तो सीजर को करते हैं साइड में और ये देखो शायद अभी भी खुला नहीं है क्या, हल्की सी ये रह गया। तो इसके स्नैक्स दिख रहे हैं जो काफी ज्यादा तगड़े हैं और इसको भी हम यही गिराने वाले हैं। ये ओ भाई साहब, तो मुझे जो है ना काफी ज्यादा अच्छे अच्छे गिफ्ट दिख रहे हैं। तो देखते हैं सबसे पहले हमारी जो ये एक वॉच है और ये है एक हल्क, ये देखो भाई कितना तगड़ा लग रहा है, माइंड ब्लोइंग यार, इतना HD और इतनी 3D लुकिंग में ना मैं क्या ही बताऊं। इस पर लिखा हुआ है भाई हल्क और ये हमारा इनक्रेडिबल हल्क है, और जिसको देखो इस तरीके से पहनने के बाद ये वॉच कितनी ज्यादा अच्छी लगती है, लेकिन मेरे हाथ से ज्यादा ये हमेशा की तरह ना आपके हाथ में अच्छी लगेगी। और ये देखो क्या साउंड आता भाई इसको खोलने का, अंदर भाई साहब इसके फ्रेंड बने हुए कैप्टन और आयरन मैन और यहाँ पे भाई सब ये देख रहे हो टाइम सेट कर सकते हैं इससे, और इससे अलार्म वगैरह सेट कर सकते हैं, डेट वगैरह सेट कर सकते हैं, और जैसे इस बटन को दबाते हैं तो ये देखो भाई कितनी प्यारी हो जाती है टिंग 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 टिंग। भाई रेड कलर की, ब्लू कलर की, पिंक कलर की और पर्पल कलर की इसके अंदर एलईडी लाइट जलती है, जो काफी ज्यादा गजब लगती है। और भाई इसके अंदर जो म्यूजिक आता है वो तो इसको और भी सोने पे सुहागा बनाता है, यानी कि इसके अंदर एलईडी लाइट जलती है, इसके अंदर म्यूजिक चलता है और इसके अंदर टाइम देख सकते हो और इसके अंदर फेस भी। तो ये 4-in-1 वाली वॉच है जो काफी ज्यादा अच्छी है, और ये देखो भाई काफी पक्की भी है, तो ये जल्दी टूटने वाली भी नहीं है क्योंकि अच्छे से ना लॉक हो रखी है। तो अगर आपको ये हल्क वाली एलईडी वॉच पसंद आई तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वॉल लिख देना, उसके आगे आपको लिखना है एलईडी वाली हल्क की वॉच, ताकि ये वाली गिव अवे आपको हो सके। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पे। और इसी के साथ हमें यहाँ पर और भी कोई चीजें दिख रही है, और ये क्या है भाई, ये देखो देखो ग्रीन ग्रीन सा, ओए ये तो 500 का नोट है, क्या बात है भाई साहब, ओ भाई रे, अरे यार ये
क्या यार चीटिंग करते हैं ये लोग, ये तो मनोरंजन बैंक ऑफ इंडिया का ये 500 रुपए का कूपन है, पीछे से ये एकदम असली लगता है, ये देखो जू टन। आज तो भाई स्कूल में पार्टी होने वाली, कैंटीन में मेरी तरफ से सब लोगों को मोमोज और चाउमीन मेरी तरफ से, मैं नकली नोट दे के भाग जाऊंगा और आप लोग की पिटाई लगाएंगे कैंटीन वाले भैया। तो ये नकली नोट अगर आपको पसंद है तो अपने नाम के आगे वॉल लिख देना और 500 का नकली नोट लिख देना ताकि ये आपको मिल सके। और एक निकला हमारा स्पिनर, ये देखो कितना प्यारा था, अगर स्पिनर भी पसंद है तो अपने नाम के आगे वॉल लिख के स्पिनर लिख देना। और ये क्या है भाई, ये कुछ ग्लिटर विलिटर इसके अंदर है, ओ वाओ अमेजिंग भाई, ये एक हाइलाइटर है, ये चलता भी है, हाँ भाई चल रहा है। इसका कलर ही थोड़ा ऐसा है ना लाइट, तो इसलिए दिख नहीं रहा, ये डार्क में ज्यादा दिखेगा, यानी कि जब इसको बुक पे यूज करेंगे या कहीं कॉपी पे यूज करेंगे ना तब ज्यादा अच्छे से दिख सकता है। तो ये ब्लू कलर का मारा निकला है हाइलाइटर, और ये आता भाई साहब मार्वल एवेंजर्स की तरफ से जो हमारा निकला है गिफ्ट में, तो काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। ये देखो थॉर, आयरन मैन, हल्क, कैप्टन अमेरिका, इसमें से आपका कौन सा फेवरेट है? अगर आपके पूरे एवेंजर्स फेवरेट है तो अपने नाम के आगे लिख देना एवेंजर्स हाइलाइटर वाओ, ताकि ये वाला हाइलाइटर आपको गिव अवे हो सके। तो इसके बाद एक चीज और है, ये भाई ओ वाओ, ये तो भाई एक मिनी टॉर्च है, तो जिस किसी को भाई रात में सूसू करने से डर लगता है ना, तो ये ना अपनी आप उसको पैंट में टांग सकते हो या इसको इस तरीके से अटका लेना, और इसका जैसे इसको ऑन करोगे तो ये देखो टडन टडन टडन, और डीजे राजा बिचिक बिचिक, इससे आराम से भाई खेल भी सकते हो, और इसकी रोशनी इतनी तेज है कि आपको सूसू करने में डर नहीं लगेगा। तो अगर आपको ये मिनी टॉर्च पसंद आई जिसको आप छुपा सकते हो, पॉकेट में भी रख सकते हो, तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वॉल लिख देना, और उसके आगे आपको लिखना है मिनी टॉर्च, ताकि ये वाली टॉर्च आपको गिव अवे हो सके। तो इसके बाद बारी आती है हमारे हंसते रहो की, तो ये ले लिया हमने अपने हाथ में जो आता है रवि नाश्ते की तरफ। ये पहले भाई बहुत महंगा था, 10 का आता था, लेकिन इसकी डिमांड इतनी हो गई ना इस अंकल की वजह से कि अब ये मात्र 5 रुपए में आता है, जिसमें 200 रुपए के नोट से लेके एलईडी लाइट वगैरह तक भाई हमारा स्पिनर निकल सकता है। इसके अंदर ना कता कई बार अंगूठियां भी निकल जाती है, टेंशन मतलब सोने की नहीं निकलती, लेकिन जो भी निकलती है वो बहुत खूबसूरत अंगूठी होती है। आरसी कार निकल सकती है, 500 रुपए निकल सकते हैं, 100 रुपए निकल सकते हैं, और 500 रुपए तो अभी हमने देखे भी थे कि इन्होंने कैसे हमारा चूना लगा दिया था, क्योंकि इन लोगों ने जो भाई हमें ना नकली वाला दे दिया था तो इस पैकेट को जल्दी से कट कर लेते हैं। ये हो गया भाई साहब कट, और इसकी जो जगह यहाँ पे खाली, ओ स्नैक्स तो पहले गिरे, ओ भाई रे ये क्या, ये तो भाई बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज हो गई। ये एक निकला भाई हमारा 3D वाला पैन, ये देखो ये इसकी चार्जिंग केबल है, और ये है इसका स्ट्रिंग जो काफी ज्यादा तगड़ा है, और ये तो भाई सबको पता लग ही गया होगा कि ये है हमारा एक 3D पैन। वाह यार भाई तो 5 रुपए में हमारा 3D पैन निकला, 5 रुपए के स्नैक्स में, जो कितनी तगड़ी चीज है यार। ये देखो क्या तो लुक है इसका, वाह यार कितना प्यारा लग रहा है ये 3D पैन। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3D पैन है, अरे क्या बात है भाई। एक आता 3.5 वोल्टेज वाला, लेकिन ये 5 वोल्टेज वाला, यानी कि इसकी जो स्याही है वो बहेगी नहीं, और इससे आप मनचाहा कुछ भी ड्राइंग कर सकते हो। एक बार आपको याद होगा मैंने इससे चश्मा बनाया था, अगर आप क्या बनाना चाहते हो, जिसको भी ड्राइंग करना अच्छा लगता है, प्रोजेक्ट फाइल वगैरह बनानी अच्छी लगती है, प्रोजेक्ट बनाना अच्छा लगता है, आर्ट करना अच्छा लगता है, तो भाई सिर्फ वही लोग लिखे अपना नाम और उसके आगे वॉल के लिख देना 3D पेन सेट, ताकि 3D पेन के साथ इसकी चार्जिंग केबल और ये वाली स्ट्रिंग आपको प्रॉपर गिव अवे हो सके। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पे। तो अगर अब हमने दादी जी को नहीं लिया ना तो दादी जी हमारी गुस्सा हो जाएंगी। दादी जी गुस्सा मत होना, क्योंकि हम आपके बहुत ज्यादा चाहने वाले हैं। और इसके अंदर भाई देखो आरसी कार से लेकर आरसी ट्रक तक निकल सकता है, गोल्ड कॉइंस निकल सकते हैं, 50 रुपए, 100 रुपए, 10 रुपए, कुछ भी निकल सकता है। दादी जी मुझे आपका चश्मा चाहिए, अगर आज आपने अपनी गुल्लक नहीं तोड़ी ना, उसमें से अपने बचे हुए पैसे नहीं निकाले, तो मैं आपके जो भाई चश्मा आज लेके चला जाऊंगा, या फिर मुझे एक एलईडी लाइट वाला लट्टू चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने मुझे नकली नोट दे दिया 500 रुपए का, तो इसलिए अब मुझे चाहिए असली नोट। तो सबसे पहले इसको फटाफट से जो है ना हम अनपैक करने वाले और देखने वाले कि दादी जी आज हमारे लिए क्या लेकर के आई है। तो भाई मैं चाहता हूँ कि दादी जी ना हमारे को या तो पैसे दे दे जिससे कि हम खुद ही गिफ्ट ले लें, और हमेशा की तरह जो है इसमें से स्नैक्स तो भाई गिरते रहते। तो भाई देखते क्या निकला क्या निकला क्या निकला। तो यार यहाँ पे दिख रही है मुझे एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन चीजें, एक छोटी सी कोई बॉटल है, ये कितनी प्यारी है यार। ओ वाह ये देखो यार गाइस, ये जो ना एक 7 अप या फिर कोई स्प्राइट है, इसको बड़े आराम से भाई खोल के पी भी सकते हैं। देखो ये ढक्कन वगैरह लग रहा है मेरे को, या पता नहीं है कोई बॉटल है, लेकिन ये कांच की है, इसको देखें भाई साहब साउंड तो काफी ज्यादा प्यारा। और ये पता है एक्चुअल में एक ओपनर है, यानी कि हम दुकान से अगर कोई कोकोला वगैरह लेते हैं तो उसमें ऐसे करके घटैक खोल देते हैं ना, ये वो वाला ओपनर है जो काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है, और मुझे ना सच में ये अच्छा भी लग रहा है। तो यानी कि इसको वाक्य में अपने पास हम रख सकते हैं, पॉकेट में रख सकते हैं, ताकि कभी भी हम अपने दोस्तों का ऐसे करके इसको खोल के और हम थम्स अप वगैरह अपनी पी सके। पर ये क्या भाई, ये मेरे नहीं समझ में आया, शायद ये कोई चिपकाने उपकाने के लिए होता होगा। तो भाई अगर आपको ये पसंद आया तो आपको अपना नाम लिखना है, उसके आगे वाव लिख देना, उसके आगे आपको लिखना है पेप्सी ओपनर या फिर कोल्ड ड्रिंक ओपनर, ताकि ये वाला कोल्ड ड्रिंक वाला ओपनर आपको गिव अवे हो सके। और ये ऊपर से भाई प्रॉपर मेटल का है, तो इसको रख देते इसकी जगह पे। और दूसरी चीज में तो मेरे को पता है आपकी भी नजर जारी होगी ना, वो है भाई हमारा ये देखो, ये भाई साहब 1 20 रुपए, ओए ये तो असली वाला है। ओ भाई साहब ये देख रहे हो सीरियल नंबर वगैरह, एक सेकंड जरा यहाँ से देख के बताता हूँ। अरे यार ये तो सचमुच में भाई इसके सिल्वर कलर से पता चल रहा है ये असली वाला ही है, यानी कि ये कोई मनोरंजन बैंक का नहीं है, ये हमारे 80 रुपए के 20 रुपए निकले। क्या बात है भाई, 5 रुपए में तो हमारे 20 रुपए वसूल हो गए। तो भाई अब देखने वाले हमारी जो तीसरी चीज है, एक तो ये है कुछ कैप्सूल सा लग रहा है ये, और एक निकला है ये, तो ये क्या भाई, अरे वाह
ये भाई एक हमारी छोटी सी बाइक जो काफी ज्यादा क्यूट लग रही है। अगर आपको ये बाइक और ये 20 रुपए पसंद आए तो अपने नाम के आगे वॉल लिख देना और उसके आगे आपको लिखना 20 रुपए का असली नोट और मिनी बाइक, ताकि ये दोनों चीज आपको गिव अवे हो सके। और ये चौथी चीज, अरे वाओ भाई ये जो कैप्सूल है ये और कोई नहीं है, बैन टेन है, पर अच्छा ये खुलेगा भी ये, अच्छा ओए ये तो पेन है, ये देखो ऐसे झटका इसको, ओ माइंड ब्लोइंग यार, चलेगा क्या ये? अरे ये तो चल भी रहा है भाई, लेकिन ना ये उतना अच्छे से नहीं चल रहा है, देखो बीच में ना थोड़ा थोड़ा लैक आ रहा है इसके अंदर, लेकिन क्या पता भाई ये कॉपी पे अच्छे से चल सके। तो अगर आप लोगों को ये वाला भाई बैंड 10 का पेन पसंद आया, जो छुटकू सा जिसको कैप्सूल बैंड 10 पेन बोलते हैं, तो आपको लिखना अपना नाम और उसके आगे आप लिख देना बैंड 10 कैप्सूल वाला पेन, ताकि बैंड 10 का कैप्सूल वाला पेन आपको गिव अवे हो सके। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पे, और उसके बाद अब हम लेने वाले हमारा चुपा चुप। तो ये ले लिया भाई उड़ता हुआ हमारे अपने हाथ में मात्र 5 रुपए में आने वाला रवि कंपनी की तरफ से चुपा चुप। इसके अंदर हमारे भाई पबजी वाली गेम, फ्री फायर वाली गेम, एंड्रॉइड फोन, आरसी कार, बलून, बॉल्स, 200 रुपए का नोट, 2 रुपए का सिक्का, हेडफोन, ईयरफोन, 20 रुपए का सिक्का, 100 रुपए के सिक्के, ये देखो फ्री गिफ्ट्स इनसाइड। ये भी दावा करते हैं कि भाई ये सब चीजें आराम से निकल सकती हैं। अब देखना ये होगा कि इसको काट के क्या हमारे से निकलेगा या नहीं निकलेगा। अगर नहीं निकला ना तो भाई साहब आज मैं बहुत ज्यादा इनसे गुस्सा होने वाला हूं, नहीं तो अगर कुछ ना दे तो 200 रुपए का भी अगर नोट निकलेगा तो बहुत बड़ी बात होने वाली है। बहुत क्यूट कपल है, तो भाई देखते गिरा के क्या निकलता क्या निकलता क्या निकलता। ओ भाई भाई जो ये टेबल से पैसे गिरे ना, ये देख रहे कैसे निकले हैं, ये 75 साल आजादी के जो है भाई पूरे हुए। ये बहुत पुराना सिक्का है, लेकिन भाई ये हो क्या रखा है सिक्के को, ये इन्होंने दिया कैसा, ये देखना 5 रुपीज का सिक्का है, ये पता नहीं चलेगा भी नहीं चलेगा कहीं, मुझे लग रहा चूना तो नहीं लगा दिया भाई इन्होंने। जिस किसी को भी ये लगता ना कि वो ये वाला खराब सा 5 रुपए का सिक्का दुकान पे चला सकता है जो बिल्कुल असली है, बस एक गंदा हो गया, तो उसको लिखना अपना नाम, उसके आगे लिख देना 5 रुपए का चैलेंज एक्सेप्टेड, ताकि ये वाले 5 रुपए आपको गिव अवे हो सके। पर लेकिन इसके साथ आपको कुछ और भी गिव अवे होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज निकली है। ओए ये एक निकली है भाई हमारी आई एम ग्रूट वाली वाटर गेम, जो काफी ज्यादा अच्छी है और ये बहुत ज्यादा बबली है, और ये भाई इसीलिए चैलेंजिंग है क्योंकि इसके अंदर ना एक ही बटन होता है, 2 होते तो जल्दी खेल सकते हैं और जल्दी जीत सकते हैं। तो यार 5 सेकंड वाला जो चैलेंज है वो होने वाला है शुरू। तो ये होता है शुरू, 1 2 3 4 5 हमारा हो गया पोपट, क्योंकि भाई ये दोनों डंडियों को मिला के ना हमारा एक ही चल रहा है, तो भाई 5 सेकंड में सिर्फ एक ही चल रहा है। जिस किसी को भी ये लगता है कि उसको ये वाली वाटर गेम मेरे से ज्यादा अच्छी खेलनी आती है, तो उसको लिखना अपना नाम, उसके आगे लिख देना भाई 5 सेकंड वाटर गेम चैलेंज एक्सेप्टेड, और अपना नाम जरूर लिखना, ताकि ये वाली वाटर गेम आपको गिव अवे हो सके। और शर्त सुन लो भाई चैलेंज की, कि आपको सिर्फ 5 सेकंड मिलेंगे इसको खेलने के लिए, जिसमें कि आपको मिनिमम 2 छल्ले डालने होंगे, अगर आपने एक डाला आप तब भी हार जाओगे, तो आपको 2 डालने ताकि आप ये जीत सको। आई एम ग्रूट, तो इसको रख देते हैं इसकी जगह पे। और ये एक और चीज निकली, और ये क्या है भाई ये नीला सा, ये कैसे उल्टा पुल्टा, ओए वाओ ये भाई एक इरेजर है, ये देखो रबड़ ही, अगर कभी कोई मिस्टेक हो जाए तो इससे आराम से इरेज कर सकते हो। और ये हमारा है कैप्टन अमेरिका, टेन टेन टन, तो भाई ये कैप्टन अमेरिका वाला एक कीचेन में, जिसको हम बैग का या चाबी का छल्ला बना सकते हैं और इसके साथ इरेज भी कर सकते हैं। ये भी पसंद आया तो अपने नाम के वॉल लिख के भाई कैप्टन अमेरिका का कीचेन और इरेजर लिख देना, ताकि ये भी गिव अवे हो सके। और इसके लिए भी अगर गिव अवे चाहिए तो भाई अपने नाम के आगे वॉल जरूर लिखना। ये भाई जो छिपकली जो हर बार निकलती है, छिपकली तो इन लोगों ने मेन बना रखी है। अरे कितना क्यूट है फोन, ये देखो भाई साहब ये सैमसंग गैलेक्सी वाला फोन, ओ कितनी प्यारी छोटी सी टॉर्च है, और ये क्या, अरे ये देखो एक छोटा सा एलईडी बल्ब लगा हुआ है, लेकिन अरे हाँ ये रही रहा, ये अभी आया तो था हाथ में, अरे हाँ भाग रहा है भाई, रुक जाना, ये देखो ये ऐसे चलेगा, अरे वाह। तो भाई साहब रात में जिस किसी को भी डर लगता है सूसू करने से, तो आपके लिए एक ये मिनी फोन भी है, जिसको आप इस तरीके से सीधा करोगे तो ये आपका एंड्रॉइड फोन बन जाएगा। ऐसे चलाओ टिक टिक करके भाई साहब टाइप करो, फोन लगा लो किसी से और फिर फोन काट भी सकते हो। तो ये वाला अगर आपको मिनी फोन टॉर्च पसंद आए तो अपने नाम के आगे वाओ लिख देना, उसके आगे आपको लिखना है एंड्रॉइड वाला फोन का टॉर्च, ताकि ये वाला जो है ना आपको फोन टॉर्च गिव अवे हो सके, जो काफी ज्यादा यूनिक लग रही है। टिंग टांग, तो भाई इसको रख देते इसकी जगह पे। और अब बारी आने वाले मोटू पतलू के खजाने की, जिसको लेने वाले हम अपने हाथ में, और ये आता भाई मात्र 5 रुपए में। और इसके ऊपर स्नैक्स देखो, कितने सारे स्नैक्स इसमें हमेशा रखे रहते हैं। तो भाई इस बार जो है ना हमें एक 500 रुपए का नोट चाहिए, क्योंकि भाई देखो 20 रुपए से हमारा कुछ नहीं होने वाला, और नकली 500 रुपए के नोट से तो वैसे भी कुछ नहीं होगा। तो भाई इसको तो हमने कट कर लिया, इसकी भी जगह यहीं पर है। इसके अंदर क्या निकलने वाला है, क्या निकलने वाला है, तो ये हुई ना बात भाई, सब गजब भाई आज होने वाली है पार्टी, क्योंकि इसके अंदर एक नहीं दो नहीं तीन चीजें निकली है। एक हमारा असली वाला नोट लग रहा है मुझे, कहीं नकली का तो नहीं है यार। अरे यार ओए ये तो असली वाला ही है, डिंक चिक चिक चिक। ये देखो भाई इसकी इस वाली पत्ती से पता चल रहा है ये जो 100 रुपए का नोट है बिल्कुल करारा वाला,
ये एकदम असली नोट है। तो भाई किसी को भी अगर ये पसंद आया तो अपने नाम के आगे वॉ लिख देना और उसके आगे आपको लिखना है 100 रुपए का असली नोट, ताकि ये आपको गिव अवे हो सके। और अगर नकली वाला भी चाहिए हो तो भाई अपने नाम के आगे वॉ लिख के 500 रुपए का नकली नोट भी लिख देना, ताकि आपको नकली नोट भी मिल सके। और दूसरी और तीसरी जो चीज़ हमारी, ये एक लिपस्टिक वाला पेन जो हमारा कई बार निकला हुआ है, और ये देख सकते हो इसके अंदर भाई इधर की तरफ में पानी होता है और ग्लिटर होता है, और आपको लगेगा कि यहाँ से खुलेगा, ये यहाँ से खुलेगा, लेकिन नहीं, ना तो ऐसे घूमता ना ऐसे घूमता, ये खुलता है आगे से। और ये भाई पकड़ने के बाद ना आपको ऐसा लगे कि भाई आपने कोई लोहे का पेन पकड़ रखा है स्टील का, क्योंकि ये देख रहे हो ना इसकी बॉडी नीचे से एकदम मेटल की है, जो काफी ज्यादा इसको प्यारा बनाती है। और ये भी देखो लैक खा रहा है, लेकिन इसकी इंक नीचे वाले पेन से बहुत अच्छी है। नीचे वाला कौन सा था? ये वाला बेंटन वाला जो पेन है, उससे तो भाई काफी ज्यादा अच्छी इसकी इंक है, यानी कि इससे हैंडराइटिंग काफी अच्छी आएगी। और पता अच्छी चीज क्या है कि इससे ना भाई जब आप साइन वगैरह करोगे ना, या आप अपनी सिस्टर को दे देना, जब साइन करेंगी या कुछ करेंगी तो कोई मैडम देगी तो बोलेगी भाई ये फैंसी वाला पेन आप कहां से लाए, तो बता देना कि फनवास भैया ने दिया था। अगर आपको ये लिपस्टिक वाला पेन पसंद आया तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वॉ लिख के आपको लिख देना लिपस्टिक पेन, ताकि ये वाला लिपस्टिक पेन आपको गिव अवे हो सके। और हमारी जो तीसरी चीज निकली है वो है भाई एक लेजर पॉइंटर, और ये एलईडी की चैन है। ये कैसा नाम है यार, ये लेजर लाइट है, इसको इन्होंने पॉइंटर क्यों लिख रखा है? अच्छा हाँ मैं समझ गया भाई, इन्होंने पॉइंटर इसलिए लिखा क्योंकि इसके अंदर ना डबल बटन है, यानी कि ये की चैन भी है और ये डबल बटन के साथ चलता है। इसके अंदर 2-3 फंक्शन होते हैं, वो भाई आप देख लेना कि कैसे कैसे चलेगा। तो अगर आपको लेजर लाइट पसंद आए तो अपने नाम के आगे वॉ लिख देना, उसके आगे आपको लिखना है रेड कलर की लेजर लाइट, ताकि ये वाली आपको गिव अवे हो सके। अपना नाम लिखना भाई बिल्कुल मत भूलना, आप लोग सामान का नाम लिख देते लेकिन अपना रहने देते हो, तो अपना जरूर लिखा करो ताकि हमें पता रहे कि भाई ये आपको गिव अवे होने वाला। इसके बाद बारे आने वाले हमारे पॉपेट वाले खजाने की, और ये पॉपेट का खजाना मुझे इतना पसंद है क्योंकि इसके अंदर भाई हमारा गोल वाला पॉपेट निकल सकता है, हेक्सागन वाला पॉपेट निकल सकता है, दिल वाला पॉपेट निकल सकता है, 10 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट, 200 रुपए का नोट, 50 रुपए का नोट, आरसी कार लट्टू, और यहां तक कि भाई इसके अंदर हमारे जो है ना स्पिनर भी निकलते हैं। तो ये देखेंगे कि हमारे क्या क्या निकल सकते हैं। तो भाई मैं तो चाहता हूं कि एक जो है ना 500 रुपए का असली का नोट निकल जाए, ताकि हमारे को जो है ना भाई आगे से भी कोई दिक्कत ना हो, और जो भी हम पार्टी वार्टी करें तो भाई बहुत ज्यादा मजा आ जाए। तो इस पैकेट को भाई हम काटने वाले हैं, और लेकिन ये दिक्कत बहुत दे रहा है, लेकिन चलो फाइनली ये कट चुका है। तो अब इसकी जो ये सामान है यहीं पे इसको डालने वाले, तो देखते क्या निकलता है, क्या निकलता है। भाई आवाज आई, ओए भाई साहब 1.50 का नोट निकला है भाई, मुझे लग रहा है हमारी पार्टी होने वाली है, तो आप लोगों को ना पर्सनली मिलने के बाद में आज पार्टी देने वाला हूं। तो ये देखो भाई साहब क्या बात, अरे ओ ये नकली है यार, ये क्या यार चीटिंग है ये, अरे ये देखो लिखा हुआ इन्होंने, खैर मनोरंजन बैंक का है यार, चीटिंग मत करा करो ऐसे। ये देखना दूर से एकदम असली का लग रहा है कि कैंटीन में पार्टी दे दिया मैंने, खड़े होकर दोस्तों को पार्टी दे दी, चौमिन खिला दी, और बाद में मैंने उनको उन्हीं के आगे अपने दोस्तों के आगे मैंने ये नोट भी दे दिया, मेरे दोस्तों को लगा कि मैंने भाई बिल पे कर दिया, पर उनको बाद में उस भैया ने रोक लिया कि भाई ये नकली पैसे दे गया तुम्हारा दोस्त। तो इस तरीके से तुम भी ना इसके साथ प्रैंक कर देना, पर अपने दोस्तों को बता देना कि भाई नकली नोट था, कहीं पता चले दुकान वाला तुम्हारे दोस्तों को अपने पास ही बिठा ले। अगर आपको ये नकली नोट भी पसंद आया तो अपने नाम के आगे वॉ लिख के लिख देना 50 रुपए का नकली नोट, ताकि ये आपको गिव अवे हो सके। और भाई इसमें देखो यार 1, 2 और वो जो अभी नोट निकला 3, एक ये स्लाइम 4, एक वो 5 और 6, भाई एक पैकेट के अंदर 6 चीजें निकली है, गजब यार। दो अरे 1 रुपए का सिक्का है यार, चलो लेकिन ठीक है 1 रुपए निकले, कुछ तो आएगा इसके अंदर यार। पर इसके अंदर हम लेंगे क्या, आप मेरे को कमेंट में लिख के बताना कि 1 रुपए का क्या आ सकता है जो मैं आप लोगों को दिखाऊं। और एक निकला हमारा बहुत प्यारा पॉपेट वाला बैंड, इसको देख रहे हो इस तरीके से लगाना, और ये देखो कितना ज्यादा प्यारा लगता है यार, वाओ सो स्वीट यार। लेकिन ना ये पता है आपके हाथ में बहुत अच्छा लगेगा, बस इस तरीके से ना इसको हुक कर देना, और उसके बाद ये देखो ये तुम्हारा बैंड बन के तैयार है। और इसको फ्रेंडशिप बैंड पे भी भाई यूज कर सकते हो, क्योंकि फ्रेंडशिप डे अभी आने वाला इसी फरवरी में, तो जिस किसी को भी ये पॉपेट वाला आवाज भी कितनी प्यारी है पसंद आया हो तो भाई अपने नाम के आगे वॉ लिख देना, और आपको लिखना है पॉपिट वाला फ्रेंडशिप बैंड, ताकि ये वाला पॉपिट वाला फ्रेंडशिप बैंड आपको गिव अवे हो सके। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पे, और अब हम देखने वाले एक और चीज। ओ भाई साहब ये क्या लिखा हुआ है, बैरल ओ स्लाइम। अच्छा भाई ये बैरल वाली स्लाइम है जो एक कंटेनर की तरह होती है। ओ वाओ भाई इसे खोलते ना एकदम स्मेल आई अच्छी सी, वाह यार कितनी प्यारी स्मेल हो रही है। देखो ग्लिटर मिला हुआ इसके अंदर भाई, चमकीली मिली हुई है, कितनी प्यारी लग रही है, टुचुक 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 टुचुक। भाई इसकी आवाज भी बहुत अच्छी हो रही है, देखो यार ये एकदम नॉन स्टिक है, यानी कि हमारे हाथ में भी नहीं चिपकेगी ना आपसे भाई अपनी बुक वगैरह पे खराब होगा, क्योंकि ये चिपकने वाला नहीं है। देखो ये कितनी इजीली छूट जाता है भाई, मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगा। अगर आप लोगों को भी स्लाइम के साथ खेलना बहुत पसंद है तो आपको लिखना अपना नाम, और उसके आगे वॉ लिख देना, उसके आगे आपको लिखना है गैलन वाली स्लाइम, ताकि ये गैलन वाली स्लाइम आपको गिव अवे हो सके। तो इसको रखते आप इसकी जगह पे, और इसके बाद हमारा एक भाई डायनासोर दिख रहा है, और एक दोबारा से हमारी छिपकली, नहीं नहीं भाई छिपकली नहीं है, ये है एक पॉपेट, ये देखो इस तरीके से दबेगा तो एक पॉपेट और निकला, एक पॉपेट वो रहा, एक पॉपेट ये रहा, एक पॉपेट ये रहा, भाई क्या बात है, मतलब पॉपेट वाले खजाने में वाकई में भाई, तो खजाना निकल गया हमारा पॉपेट का। और ये कितना क्यूट लग रहा है, टुडुक 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 टुडुक, भाई ये एक डायनासोर है जो जंगल में हमारा चल रहा है, और इसका नाम है टीरेक्स, जो इतना प्यारा कलर है इसका यार, ये देखो हल्का ग्रीन, ब्लू कलर, नियॉन कलर, मार्शमेलो कलर और बेबी पिंक कलर, कितने प्यारे लग रहे हैं यार ये कलर। और इनकी आवाज
भाई बहुत प्यारा साउंड आता है वो। ये एक की चैन है, यानी कि इसे छल्ले की तरह भी आप यूज कर सकते हो चाबी में, या फिर अपने बैग की चैन में टांग देना, ताकि कभी भी इसको पकड़ के अपनी जब बैग की चैन खोलोगे तो लोग पूछेंगे भाई क्या हुआ था, की चैन तो बहुत अच्छा है, तो बता देना कि फनबाज भैया ने दिया था। अगर आपको ये टीरेक्स का डायनासोर वाला की चैन पसंद आया हो तो अपना नाम लिखना, उसके आगे वॉल लिख देना, उसके आगे आपको लिखना टीरेक्स डायनासोर वाला की चैन, ताकि ये वाला की चैन आपको गिव अवे हो सके। तो इसको रखते इसकी जगह पर, अब बारी आती है दादी की गुल्लक की, जिसको ले लिया हमने अपने हाथ में। ये भी पहले भाई 10 का आता था, लेकिन आजकल ये मात्र 5 रुपए में आता, जिसके अंदर सोने की मोहर निकल सकती है और दादी जी का चश्मा तो निकलेगा ही निकलेगा। और भाई ये एलईडी वाला स्पिनर जो चाहिए मेरे को यार, पर लेकिन मुझे ये नहीं पता कि हमारा ये निकलेगा कब। भाई कोई तो दिन आ जाए जिस दिन निकल जाए, या पैसे निकल जाए, 500 रुपए का नोट भी नहीं निकला, पता नहीं हमारा वो कब दिन आएगा, जिस दिन हमारा 500 का नोट निकलेगा या 2000 का निकलेगा। और देख रहे हो इतना टाइम हो गया भाई साहब स्नैक्स की बॉक्सिंग करते हुए, अनबॉक्सिंग करते हुए, लेकिन आज तक हमारा एक भी बार 2000 रुपए का नोट नहीं निकला, पता नहीं कब आएगा हमारा वो दिन। तो इसकी जगह पे हम गिराने वाले हैं। और अभी भी ये देखो, ओए भाई कुछ लहर के गया है। अरे यार ये फिर से एक नकली नोट निकला है हमारा 50 रुपए का। अब ये बस सोच रहे कि ये भाई वो पुराना वाला दिखा रहा है, देखो वो अभी भी वो वही रखा हुआ है, क्योंकि ये वो नहीं है, वो वाला देखो वो रहा, और वो 500 का नकली हो रहा है, ये असली का 20 रुपए ये रहे, असली के 100 रुपए ये रहे, लेकिन एक बार और से हमारा नकली का 50 का नोट निकल गया यार। दूर से देखने में तो असली लगते हैं, वही वाला इनका हिसाब है कि दूर से देखा तो कंचे छल्ले थे, पास जाके देखा तो गंजे छल्ले थे, वो वाला सेम इसके साथ हाल है। और लेकिन कुछ चीज हमारे साथ अच्छी हुई है, क्योंकि मुझे दिख रही है 2 छोटी सी कार और 1 कोल्ड ड्रिंक। तो सबसे पहले भाई कोल्ड ड्रिंक देखेंगे। अरे ये BTS के भाई लोगो बना हुआ, क्या बात है, आज तो जो BTS वाली आर्मी है वो बहुत खुश होने वाली है। ये देखो भाई इनमें से किसी एक का भी नाम मुझे नहीं पता, अगर आप लोगों को पता तो भाई आप लिख देना अपना नाम, उसके आगे वॉल लिख देना, उसके आगे आपको लिखना है आई लव BTS आर्मी, ताकि आप लोगों को ये मिल सके। ओए ये शार्पनर है, ये देखो कितने क्यूट है भाई, ये कोल्ड ड्रिंक वाला है, तो इससे जो है आप किसी को भी बड़े आराम से पागल बना सकते हो। और ये देखो ये एकदम स्ट्रॉ की तरह लग रहा है, लेकिन ये एकदम लचीला है, यानी कि जब कोई मिस्टेक हो जाएगी तो इससे इरेज कर सकते हो, यानी कि शार्पनर भी मिल गया आपको, और जब जो इसका जो डस्ट होगा उसको आप बाहर फेंक सकते हो इस तरीके से खोलकर, वापस इसको लगा देना तो लोगों को लगे भाई ये कोई कोल्ड ड्रिंक है छोटी वाली और ये पी रहा है। ये देखो यार डिटेलिंग देखो कितनी प्यारी बनाई है इन्होंने, है ना, ऐसा लग रहा है कि कोई आइस है, लेकिन एक ये शार्पनर है। तो अगर आपको पसंद आया तो मैंने आपको बता दिया कि आपको गिव अवे के लिए क्या करना है, इसकी जगह पर दो लेने वाले हम अपनी कार। और ये देखो भाई ओ माइंड ब्लोइंग भाई, ये हमारी जो है ना डाईकास्ट वाली कार है, देखो कितनी प्यारी लग रही है, और इनका जो कलर है भाई वो एकदम ग्रीन है, स्पीड कार रेसिंग 2 नंबर, और ये क्या है स्पीड कार रेसिंग 333 नंबर। ये ट्रांसपेरेंट वाले ग्लास के अंदर देख रहे हो, 2 सीट है जिसमें कि मैं बैठ जाऊंगा और आप बैठ जाना, और इस वाले में ड्राइविंग वाली सीट पे आप बैठना क्योंकि आप चलाओगे गाड़ी और तुम्हारा भाई इधर साइड में बैठ जाएगा, और इसमें तो पीछे भी जगह है, तो यानी कि आप लोग फ्रेंड्स को बिठा सकते, तो उनको भी बिठा लेना साथ में चलेंगे। और ये देखो भाई, और इसके टायर्स वगैरह भी जो भाई काफी ज्यादा मजबूत है, और इस वाले के जो टायर है वो भी काफी ज्यादा मजबूत है। तो भाई आज हमारी निकली है 2 डाईकास्ट कार, कितनी प्यारी लग रही है, और ग्रीन कलर में और भी ज्यादा खिल के आ रही है। और भाई ये वाली जो गाड़ी है ना, मैं आपको बता दूं ये फोर्ड की मस्टैंग, और ये वाली जो गाड़ी है भाई ये एक है ग्रैंड टूरिज्मो वाली जो गाड़ी होती है ना, वो वाली कार है, जिसको भाई GT कार भी आप बोल सकते हो। तो अगर आप लोगों को ये निशान वाली गाड़ी और ये फोर्ड मस्टैंग की डाईकास्ट कार दोनों की दोनों पसंद आई हो, तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वॉल लिख देना, उसके आगे आपको लिखना है 2 डाईकास्ट कार या फिर 2 मेटल कार, ताकि ये आपको दोनों की दोनों मेटल कार गिव अवे हो सके। तो इसको रख देते हैं इसकी जगह पे, और अब हम लेने वाले हमारा पॉपिट वाला खजाना, और जो मात्र आता 5 रुपए में राहुल कंपनी की तरफ से। इसके अंदर 100 रुपए का नोट, 50 रुपए का नोट, 200 का नोट, दिल वाला पॉपेट, और भी ना जाने क्या चीज निकल सकती है। तो भाई हम सबसे पहले देखने वाले हैं इसको अनबॉक्स करके कि हमारा क्या निकलेगा, क्योंकि जब तक ये कटेगा नहीं तब तक कैसे पता चलेगा कि क्या निकल रहा है क्या नहीं। तो भाई इसको जो हम यहाँ पे इसकी खाली जगह पे देखने वाले हो भाई, स्नैक्स तो भाई भर भर के निकल रहे, क्या ही बताओ। और भाई साहब हमारे को दिख रहा है एक पॉपेट, तो ये उठाने वाले पॉपेट, ओए कितना प्यारा लग रहा है ये देख रहे हो। लेकिन एक चीज और भी है, ये क्या, अरे ये तो स्टैंप है, अरे क्या बात है। और स्टैंप आंख मारे तो देखते हैं इससे कि स्माइली वाली स्टैंप हमारे पे लग पाएगी या नहीं लग पाएगी। अपने घर पे भाई कभी भी पार्टी रख लेना, और अपने दोस्तों को जब अपने रूम में आप एंट्री दोगे या अपनी क्लास में एंट्री दोगे तो आप उनके हाथ पे स्टैंप लगा सकते हो, या फिर इस तरीके से आप किसी भी कागज के ऊपर लगाओगे तो और भी ज्यादा क्लियर लगती है। ये ना काफी इंटरेस्टिंग चीज है। अगर आपको स्टैंप पसंद आई है तो अपना नाम लिखना सबसे पहले, उसके आगे वॉल लिख के लिख देना स्टैंप, ताकि ये वाली स्टैंप आपको गिव अवे हो सके। और उसके आगे भाई हार्ट वाला पॉपेट भी लिख देना अपने नाम के आगे, ताकि आपको ये वाला हार्ट वाला पॉपेट भी गिव अवे हो सके, जो दिल वाला, जिसके अंदर पर्पल कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, ऑरेंज कलर, रेड कलर, इतने सारे कलर हैं, जिसकी आवाज भी इतनी प्यारी आती है। तो भाई साउंड मुझे काफी ज्यादा पसंद है, इसको रखते हैं इसकी जगह पे। लेकिन ये क्या है भाई, ये है भाई हमारा एक दिख जा क्या है, 5 रुपए वाला सिक्का, ये देखो।
भाई साहब ये तो चल जाएगा, ये तो दुकान पे चला सकते हैं, इसके लिए कोई चैलेंज नहीं है। इसके लिए आप सीधा अपना नाम लिखना, वाव लिखना और उसके आगे लिख देना 5 रुपीज, ताकि ये वाले 5 रुपीज आपको गिव अवे हो सके। अब इसका सबसे आखिरी में बारी आने वाली हमारे राहुल कंपनी की तरफ से आने वाला सबसे पॉपुलर दादी के गुल्लक। और दादी जी हमारी इतनी कंजूस है मैं आपको बता नहीं सकता, इनके गुल्लक को किसी दिन ना हम लोग सारे मिलकर तोड़ देंगे और ये स्पिनर वगैरह भी ले लेंगे। दादी के 100 रुपए, 200 रुपए, 50 रुपए, 500 रुपए, 2000 रुपए का नोट भी लेंगे, वो सब आप रख लेना। लेकिन मुझे दादी का चश्मा रख रहा है, जिस दिन भी दादी का चश्मा मेरे को मिला भाई साहब मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला था। इसको जो है हम सबसे पहले अनबॉक्स करेंगे ताकि हम देख सके कि आज हमारे 2000 रुपए निकलेंगे, 500 रुपए निकलेंगे, एलईडी लाइट वाला स्पिनर निकलेगा या फिर कोई नॉर्मल स्पिनर निकलेगा या कोई एक आरसी कार निकलेगी। तो इस बॉक्स को भी हमने कट कर लिया है और इसको देखो ये यहाँ से अभी रुक गया। ओ भाई स्नैक्स पहले गिरने लगते थे, ये क्या निकला? तो यार ये ना मेरे को यही से दिख रही है, ये एक ईयरफोन है जो काफी ज्यादा तगड़ी है देखो भाई साहब, और ये एक केस में आई है और ये काफी पता नहीं क्या क्या इन्होंने जानकारी दे रखी है। देखो भाई इतनी महंगी, अबे भाई इतनी महंगी क्या करेंगे हम, ये कैसे खुलेगा? ये खुल गया, अरे वाह, मतलब कि ना आप इसमें गाने सुन लो और वापस से इसी में रख देना। और ये लीड देखो यार कितनी तगड़ी है, माइंड ब्लोइंग यार। ओए भाई फिलिप्स लिखा हुआ है इस पे, ये तो बहुत अमेजिंग चीज है यार, यानी कि ये एक बहुत अच्छी वाली लीड है क्योंकि इसका जो वायर है ये भी बहुत अच्छा। तो जल्दी से ना भाई आपके गाने खराब नहीं होने वाले, और जैसे आप गाना सुन लो तो भाई इसको वापस से इसी बॉक्स में रख देना या फिर आप इसको पैंट में भी रख सकते हो। तो ना तो ये आपकी लीड रस्सी की तरह उलझेगी और ना ही ये खराब होने वाली, और आप अपने म्यूजिक वगैरह बड़े तगड़े तरीके से सुन सकते हो। अगर आपको ये पसंद आई तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वॉल लिख देना, उसके आगे आपको लिखना है डब्बी वाली ईयरफोन या फिर डब्बी वाली लीड, ताकि ये वाली जो लीड है आपको गिव अवे हो सके। तो इसको रख देते हैं इसकी जगह पे। तो भाई साहब अब बारी आती है उन 15 लोगों को शॉर्ट आउट देने की। तो ये है वो 15 नाम, प्राची सिंह, दीपक कुमार राम, निशान मान, मयंक निमोरे, हमजा शंकर, आदर्श, सौम्या जीत साह, गुलाम हुसैन, साई दक्षित, नरेंद्र, रोस्तन डिसोजा, सौम्या लिया दे, दक्ष सुतार मोदी और कुलदीप। तो आज इन 15 में से किन्हीं एक को नहीं, दो को नहीं, बल्कि 3 लोगों को मिलने वाले हैं 2 सरप्राइजिंग गिफ्ट। एक यूनिकॉर्न की तरफ से आने वाला जंबो ज्योमेट्री बॉक्स जिसके अंदर मेटल की जिप लगी हुई है, और प्लस में दूसरी चीज जो है वो है भाई साहब एलईडी लाइट वाला डांसिंग टॉय जो कि यूनिकॉर्न का डांसिंग टॉय, और ये भाई 5D लाइट्स के साथ आता है, यानी कि इसके अंदर 3D लाइट नहीं चलेगी, 5D लाइट चलेगी जिसमें म्यूजिक भी चलेगा, स्पीकर भी चलेगा, और ये सेंसर वाला है जिसके अंदर आपको हॉर्न का साउंड भी सुनने को मिलेगा, और ये यूनिकॉर्न काफी ज्यादा फेमस भी है। तो भाई अब बारी आती है हैप्पी बर्थडे शॉट आउट की। तो हैप्पी बर्थडे टू यू प्राची सिंह, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, और आपको भी ये दोनों के दोनों सरप्राइजिंग गिव अवे मिलने वाले। तो भाई आज जो वाक्य में किन्हीं 3 लोगों की बहुत ज्यादा बल्ले बल्ले होने वाले। तो यार आप लोगों ने देखा आज का अल्टीमेट कलेक्शन ऑफ स्नैक्स, जिसके अंदर भाई 500 रुपए का नकली नोट, 50 का नकली नोट, 50 का नकली नोट, 20 का असली नोट, 100 का असली नोट, एक भाई साहब कोल्ड ड्रिंक को ओपन करने वाला 7 अप का ओपनर जिसको भाई पेप्सी का या कोल्ड ड्रिंक का ओपनर भी कह सकते हो, एक बेंटन वाला पेन, 3D पेन यार इसको कैसे भूल सकती है, एक ग्लू स्टिक वाली गन यार उसको भी कैसे भूल सकते हैं, और शॉर्पनर, भाई इतनी सारी चीजें ना मैं बताते बताते थक जाऊंगा। तो आप लोग अपने नाम के वॉलिक के कमेंट में लिख देना ताकि आपको गिव अवे हो जाए। तो आपको भी अगर ये अल्टीमेट कलेक्शन पसंद आया तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर, और अगर इस पर भी 500 से ज्यादा लाइक शेयर और कमेंट हो जाते हैं तो आप लोगों को ये कर दिया जाएगा पूरा का पूरा सारा सामान गिव अवे। तो भाई अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बाजू में दिए बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली जितनी भी लेटेस्ट वीडियोस है आप लोग सबसे पहले देख पाएं। तो भाई मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।